Hi everyone, good evening. आज आपको बायोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराएंगे. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स. लिविंग बींग वे हैं जिनमें लाइफ है. बायोलॉजी में लाइफ जिनके पास होती है यानी जिन्हें जीव कहते हैं उनकी पढ़ाई करते हैं. इसीलिए बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं और अंग्रेजी में लाइफ साइंस भी कहते हैं. कुछ लोग इसको बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं. ये जो बायोलॉजी टर्म है इसको पहली बार फ्रांस के नेचुरलिस्ट लेमार्क और एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे उनका नाम था जी ट्रेविरे रेमस ने दिया था. अब रही बात कि बायोलॉजी में जब हम लाइफ जिसमें होगा उसकी पढ़ाई करेंगे तो हमको ये भी जानना जरूरी है वो कौन सी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम लाइफ को मानते हैं यानी विच आर द फीचर्स रिलेटेड टू लाइफ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिलेटेड टू लाइफ. देर आर सो मेनी करेक्टर्स ऑफ द लिविंग बींग आउट ऑफ विच फ्यू आर कंसिडर्ड इसेंशियल टू बी लिविंग. कुछ के बारे में बताऊंगा. जब भी लाइफ होगी तो निश्चित तौर पे सेल होगी. इसका अर्थ क्या निकला? देर इज नो लाइफ आउट ऑफ ए सेल. सेल नहीं तो लाइफ नहीं. अब वायरस को लेते हैं. वायरस का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर नहीं है और इसीलिए वो लिविंग कंप्लीटली नहीं माना जाता. ये उसकी प्रॉब्लम. यानी सेल की शुरुआत से लाइफ की शुरुआत होगी. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल से आगे के भी लेवल का है. दूसरी बड़ी चीज, सिर्फ सेल होने से कोई लिविंग नहीं. सेल होना चाहिए, उसमें लाइफ रिलेटेड प्रोसेस भी चलना चाहिए. लाइफ रिलेटेड प्रोसेस का अर्थ है साइंस के टर्म में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए. यानी जो कोई भी लिविंग है यानी जिस किसी को हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे उसमें मेटाबॉलिज्म जरूर हो. मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, जीवन से संबंधित क्रियाओं को विज्ञान की भाषा में मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तीसरी चीज जो जीवन को परिभाषित करती है, एक तो सेल हो गई, सेल का होना जरूरी, सेल में जीवन की क्रियाओं का होना जरूरी यानी मेटाबॉलिज्म का होना जरूरी, और तीसरा ग्रोथ होना जरूरी. लिविंग बींग ग्रो कर सकता है, जो नॉन लिविंग है उनमें यह करेक्टर नहीं होगा. चौथा, लिविंग बींग रिप्रोड्यूस करता है, अपनी जनसंख्या बढ़ा सकता है. यह गुण भी नॉन लिविंग में नहीं हो सकता. सबसे बड़ा बात, जीवन की पहचान जीवन की क्रियाओं से है कि उठ रहा, बैठ रहा, खा रहा है, पी रहा है, उसमें जीवन ऐसा कर रहा है. क्रियाएं यानी फंक्शंस, फंक्शन यानी मेटाबॉलिज्म. किसी भी फंक्शन को होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है. सेल जिसके अंदर जीवन होता है, जीवन की क्रियाओं को चलाने के लिए उस एनर्जी की सप्लाई जिस प्रोसेस से करती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. यदि एनर्जी की सप्लाई ना हो तो फंक्शन नहीं होगा. फंक्शन नहीं है तो सेल होने के बावजूद भी सेल लिविंग नहीं होगी. इसका मतलब विदाउट रेस्पिरेशन देयर विल बी नो लाइफ. रेस्पिरेशन मे बी एरोबिक आर एनएरोबिक. ऑक्सीजन जरूरी नहीं, जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं. सभी के जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन जीवन के लिए जरूरी है. रेस्पिरेशन आपने सुना होगा, कोई किसी का गला दबा के जान से मार डाला यानी उसकी लाइफ खत्म कर दी. कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि उसने हाथ दबा के जान से मार डाला. उसका कारण है
जब गले को दबाते हैं तो जो विंड पाइप हमारी है जिससे गैस का एक्सचेंज होता है फॉर रेस्पिरेशन, वो ब्लॉक हो जाती है और उस ब्लॉकेज के साथ शरीर के ब्रेन सेल्स को, हार्ट के सेल्स को, हार्ट के मसल्स को जो हर समय वर्क करते हैं, किडनी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन सप्लाई ना होने से वो रेस्पायर नहीं करता, रेस्पायर ना करने से उसको एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी न मिलने से वो एक्सपायर कर जाता है और इंसान भी बदले में एक्सपायर कर जाता है। ये जो बायोलॉजी है इसमें लिविंग बींग के बारे में पढ़ना है। लिविंग बींग जो है सेल के बने होंगे और ये जो सेल है ये दो कैटेगरी में आइडेंटिफाई की जाती है। कुछ सेल ऐसी हैं जिनके बाहर एक रिजिड कवर है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, एंड ऑल सच सेल्स हैविंग सेल वॉल आर कॉल्ड प्लांट सेल्स, एंड ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स, ऑल दोज लिविंग बींग्स विच आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स आर पार्ट प्लांट, एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। लाइकवाइज ऑल दोज सेल्स देर इज नो आउटर रिजिड कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स से बने हुए लोगों को एनिमल्स, और एनिमल की पढ़ाई करने को बायोलॉजी में जूलॉजी, दो ढंग यानी बायोलॉजी बाइफर्केट हो गया, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में वो आएंगे जिनके पास सेल के पास वाल होगी, जूलॉजी में वो आएंगे जिनके सेल के पास वाल नहीं। जब सेल के पास वाल, जो वाल है वो रिजिड है तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगी, प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर पाते, या उनमें जो मूवमेंट की पढ़ाई की जाती है वो उसके पार्ट्स के लिए होती है, या वो यूनिसेलुलर होगी या फिर सिनोबिया होंगे, एक सेल का समूह हो, एक एक सेल्स के बने हुए समूह। एनिमल्स हैं उनमें सेल वाल ही नहीं है, जब सेल वाल नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट कवरिंग है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, जिसके चलते एनिमल्स मूव करते हैं। एक और सेल होती है पढ़ने के ढंग, उसके पास न्यूक्लियस है, डिफरेंट न्यूक्लियस है, और ऐसे को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। जिसके पास डिफरेंट न्यूक्लियस नहीं है उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और इनके बीच का जो अंतर है उसको हम आगे भी समझाएंगे, आगे बृहद ढंग से समझाएंगे। छोटी सी और बात, ये जो सेल की पढ़ाई है इसकी शुरुआत रॉबर्ट हुक ने की, उन्होंने किताब लिखा था कुछ अपने प्रयोग करके, माइक्रोग्राफिया, और इस वजह से हम लोग रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग एरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी हम लोग थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, पायनियर वर्कर को हम लोग फादर कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सॉन्सन को कहते हैं। ये जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कार की स्लाइस का अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा, बेसिकली वो जो मधुमक्खी के छत्ते की संरचना होती है वैसे ही उनको दिखाई दिया, और उस संरचना वास्तव में वो क्या था, इट वॉज ओनली सेल वॉल, यानी सेल वॉल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट हुक। थैंक यू, आगे का अगले एपिसोड में।